और सुनो, सब बढ़िया? नहीं क्यों बे, हमारा बहुत बढ़िया है। पता बढ़िया किसका? नहीं मेरा, क्योंकि तुमने बस एक दिन की वीडियो मिस करी। मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट एफर्ट ट्राई किया, उसके बाद भी मैं अपलोड नहीं कर पाया। ठंड लग रही है बहन चो। तो बेसिकली मैंने कल भी दो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, एक सेकंड चैनल के लिए और एक मेन चैनल के लिए। बट जो मैंने मेन चैनल के लिए करी थी ना, उसमें मैंने दो कैमरा एंगल रखे थे, जिसकी वजह से एडिट करना थोड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था। बट मेरा ट्रैवलिंग डेट भी था, तो टाइम से एडिट हुई नहीं और फिर आई मेस्ड अप। और ऐसा नहीं, मैं वीडियो नहीं कर सकता, बट मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इस वीडियो के अंत तक तुम्हें समझ में आ जाएगी। मैंने तो मैं पहले बोला था कि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, और ये सेकंड पार्ट है बेसिकली मेरी ट्रैवलिंग का। पहला पार्ट मैंने सेकंड चैनल पर डाला हुआ है। सो ये वो दिन है जब मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल रहा था, और ट्रैवलिंग निकलने से पहले मम्मी से बात क्यों ना करें। मतलब मम्मी को ना मैंने व्लॉग वन में यूज़ किया था, तो उनकी तारीफ आ गई। लोग पाग वो पागल ही हो गई। अब तो मैं भी पाप क्या भैया। जा रहा हूँ मैं। पानी की बोतल है? नहीं नहीं चाहिए। थोड़ा सा रख ले प्लीज। नहीं एक काम करियो, वहाँ खरीद लियो। कुछ बोलना आपको जाने से पहले? यस मेरे को बोलना है, बहुत कुछ बोलना है। नहीं आप रुक जाओ, आज वीडियो में डालना, बड़ी तारीफ आ रही है आपकी। हाँ भाई ठीक है, सो रहेगा ना, तो जिसमें लैपटॉप है उसको हाथ में बांध के रखियो। सुन ले भाई, दो मिनट सुन ले। मैं सो कर रहा हूँ, जगह रहेगा। पहले उसका ट्रेन का बता दे सही से। ट्रेन का बता दिया, ट्रेन का नाम नंदा देवी एक्सप्रेस है। क्या बात कर रहा है, मुझे यकीन नहीं, मैंने मैसेज पढ़ा ही नहीं। नंबर के अलावा नंदा देवी भी उसमें नहीं लिखा, उसमें सिर्फ वो मैं गूगल सर्च कर लिया हूँ सब। ठीक है हाँ, चेक कर लियो, कोई पार्ट नहीं आएगा। हम मुझे नहीं, रेलवे स्टेशन पहुंचा और माने या ना माने, लास्ट टाइम जो मैंने रेलवे देखे थे, स्टेशन की हालत देखी थी, उसके कंपेरिजन में बहन क्या वो तो एयरपोर्ट क्वालिटी है। साफ सफाई है, भिखारी नहीं है, और चाय बेचने वाली नहीं है इस बार, पता नहीं क्यों, जबकि इस बार मुझे चाय पीने की मन भी थी। बट इकलौती कंप्लेन जो मेरी है, पहन का कितने मच्छर कौन पालता है? जब इतनी सफाई है तो मच्छर क्यों है? और मेरे को इतना बुरा लगा ना, वो जो RPF वाले वो है, रेलवे पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे, उनके लिए कि उनको 24 घंटे सातों दिन वहाँ पे रहना पड़ता है इन मच्छरों को डील करते हुए, और ऊपर से लोग वही हरामी बनती है हैंडल करते हुए। ओके मैं टाइम से पहले यहाँ पहुँच गया हूँ, साफ सफाई भी ठीक ठाक है, बट बहन क्या कितने मच्छर कौन अडॉप्ट करता है यार। मतलब जेन्युइनली 5 मिनट पहले मैं सोच रहा था क्या करूँ, इतना खाली टाइम है मेरे पास, 5 मिनट बाद में मच्छर मार रहे हैं हम बैठ के। मजाक चल रहा है यहाँ पे। मेरे पास लिटरली कुछ करने के लिए तो मैं एलिवेटर चला रहा हूँ, मतलब चल रहा हूँ उस पर, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या करोगे? मैं एक कोने से दूसरे कोने में घूम आया हूँ, और कहीं पर बैठ जाओ तो बहन क्या मच्छर तंग कर रहे हैं यार। और ये पता नहीं कौन है जो अपना फ़ोन ऑन ऑफ कर रहा है, कंप्यूटर ऑन ऑफ कर रहा है। अरे बस करो यार। अभी अंधेरा लग रहा, तो मैं लग रहा है ना, बताओ तो रुको। मैजिक, मतलब मैं लिटरली लाइट यूज कर सकता हूँ, मुझे लगा एसी वेसी कुछ है। बेटा एक टाइम में हम भी डेली व्लॉग करते थे, मतलब डेली वीडियो करते थे, व्लॉगर बन चुके हैं हम, ठीक है। मम्मी कहने फिर डरना शुरू कर दो हमसे। सबसे वीड बात पता क्या, इस पूरी बोगी में सिर्फ दो लोग हैं मेरे ख्याल से, एक मैं हूँ और एक दूसरा बंदा है जो जिसकी फैमिली से छोड़ने आई है। मैं कहा खाली ट्रेन बहन की आँख, खाली ट्रेन साले, हमें खाली बस में सीट मिल जाती है, हम उस पर खुश हो जाते हैं, हमें पूरी बोगी खाली, वाह जी वाह। भाई साहब मैं ट्रेन में इतने दिनों बाद चढ़ा हुआ ना कि मेरे को ताज्जुब हो रहा है, शीशे भी होते हैं इसमें, वाह जी वाह। चार्जिंग पोर्ट भी इसमें काम करता है कि नहीं करता, यही देखना पड़ेगा। अगर तुम ट्रेन में आए, चार्जिंग पोर्ट मिला और काम करता हुआ मिल जाए, तो भाई साहब तुम समझ लो किस्मत कितनी अच्छी है तुम्हारी। तो अब चेक करना बनता है, पर मेरे पास एक तरीके की है चेक करने की। तो मैंने अपना चार्जर लगाया, लेट्स सी ये बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा। फक बहन की आँख, कौन कहता देश ने डेवलपमेंट नहीं करी, बहन की आँख क्या बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश हो गया ये देख के। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस पूरी ट्रिप में ना सिर्फ दो बार खुश हुआ हूँ, एक तो ट्रेन की हालत देख के कि क्या डेवलपमेंट है, दूसरा याद है जो मैं बोल रहा था कि दो बंदे हैं, एक मैं और एक और लड़का जिसकी फैमिली छोड़ने आई है। मतलब उसकी फैमिली वाले इतना ओवर प्रोटेक्टिव, ओ हो भैया हैं, भैया भैया संभाल लेंगे, देख लेना हम। और मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ मैं देख लूंगा, मैं खुद आवारा मैं देखूंगा,
मगर ठीक, बट बाद में ना और भी बंदे आ गए, मैं ठीक है अब तो चलेगा। साला मैं उतरा स्टेशन से, मैं चाय और सुट्टा मार रहा हूँ, भाई एडवांस मांग रहे, मैं अच्छा इसको बचाना था, ये तो आराम ही निकला। बट सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे आ चुका था, मतलब देहरादून पहुंच चुका था। उसके बाद मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था कि हम रुके हैं देहरादून में या मसूरी चले, और क्यों हूँ मैं यहाँ पे ये मत पूछना मुझे, मैं बस मेरे को खुद नहीं पता एक्चुअली। बट मैंने डिसाइड किया कि मसूरी चलते हैं, और एक्चुअली इसके बाद मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, एक चीज़ नहीं, जब तक मैं होटल रूम में नहीं पहुँचा क्योंकि पूरे रास्ते मेरी इतनी फटी थी ना भाई, मैं अपनी जान बचा के ऐसे हैंडल पकड़ के बैठा हुआ था और ये फिर होटल पहुँचने के बाद का सीन है। पहुँच तो गए यहाँ पे, बट मैं सुबह 8:30 बजे पहुँच रहा था और मैं बहुत थका हुआ था, फिर मैं सो गया। बट फाइनली मैं उठा हूँ और अब जाके मेरे को आज की वीडियो एडिट करनी है और एक व्लॉग एडिट करनी है। बट इससे पहले आज का ये व्लॉग ख़त्म करूँ, मैं तुम्हें सीन दिखाता हूँ। ये मेरी बालकनी से मसला है बाय गॉड, ये अभी तो ज़्यादा रोशनी है, सुबह तुम्हें देखना चाहिए था, क्या अमेजिंग सीन था, दूर तक देखोगे पहाड़ जितने ही सेक्सी यहाँ पे दिख रहे हैं ना भाई साहब, क्या ड्राइविंग होती है इस पर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई साहब, लास्ट टाइम मैं शिमला गया था तो मुझे याद था क्या हैवी रोड है ये और कितनी जीप फटती है इसमें, बट ओवर द ईयर्स मैं भूल गया था मैं अपना ट्रेन से उतरा, मैंने बैठा गाड़ी में और क्या चलाया यार, एक टाइम वो लिटरली ट्रक के साथ हिट करते करते रह गया, मैं कसम खाई जब तक तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगा तब तक दोबारा नहीं आऊँगा। अबे ऊपर से मेरी, मैं जिस सीट पर बैठा वहाँ पे सीट बेल्ट हुई नहीं, मैं कहा साले तू तो तेरे पास है तू पहन ले ना, मेरे को पहनना है, मेरे पास सीट बेल्ट नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। और जेनरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ये जितना भी खूबसूरत तुम्हें दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, उतनी ही खतरनाक है रोड है। मतलब तुम्हें वो बंदा याद है पैराग्लाइडिंग वाला जो बोल रहा था यहाँ बादल ही बादल है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, 5 मिनट बाद मैं खुद बोल रहा था भाई 100-200 ज़्यादा ले ले पर नीचे उतार दे यार भाई के साथ, क्या ड्राइविंग है यार यहाँ की। बट इतना रिस्क लेने के बाद ये देखना वर्थ है बिल्कुल। सालों ने बेडशीट ओयो रूम लगा रखी है बट ये ओयो रूम नहीं है, क्योंकि ओयो रूम में बहुत सारी फैसिलिटी तो मैं मिल जाती है, यहाँ पर टट्टी भी नहीं मिल रही तुम्हें। एक्चुअली मैं टट्टी भी नहीं कर सकता अब साबुन नहीं, वहाँ पर मैं साबुन लेके घूमता नहीं क्योंकि मैं यूज टू ओयो रूम का। सो अभी थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, बट पहले मैंने चाय और पानी बोला और तब तक मैं हम एडिटिंग शुरू करेंगे जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था मेन चैनल के लिए, तो पहले उसे करना है और फिर तुम्हारे लिए। मुझे नहीं मालूम कौन एंजॉय कर रहा है क्योंकि मैंने लिटरली बस रेलवे स्टेशन में मजे लिए थे, रेलवे में मजे लिए थे, उसके बाद से बस थका ही हुआ हूँ मैं। सो लेट्स सी आगे, अब मैं अभी भी बहुत थका हुआ हूँ तो मुझे लग नहीं रहा मैं अब शाम में भी कहीं निकलने वाला हूँ, बट निकलेंगे थोड़ी देर के लिए, कोई रेंडर में लगा दे वीडियो, फिर मैं तो मैं यहाँ पे एक जहाँ पे उसने मुझे उतारा था वो दिखाऊंगा जगह, लाइब्रेरी पैलेस करके। फिलहाल मैं जहाँ पे उससे कोई मॉल रोड गए थे, मैं कहा तुम्हारे नाम ही अलग चल रहे हैं हमारे यहाँ पे नॉर्मल, हमारे यहाँ पे रोड है रविंद्रनाथ टैगोर रोड, ठीक है यहाँ पे मॉल, और मॉल है भी नहीं पूरी रोड पे, मजाक चल रहे हैं यहाँ पे। बट गांधी जी की मूर्ति और वहाँ से जैसे ये नज़ारे तुमने देखे ना वैसे ही नज़ारे दिखते हैं, और मेरे को नज़ारों का कुछ शौक भी नहीं, बट पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा है। अब मैं ओयो यूज टू हूँ तो ओयो में वाईफाई मिल जाता तो मैं और बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बट यहाँ पे मेरे को जो भी ओयो मिल रहा था बहुत दूर था और वाईफाई अवेलेबल नहीं था, और इवन जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ पे भी वाईफाई नहीं है। सो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सब चीज़ करना, इवन कल की वीडियो थोड़ी मुश्किल होगी बट परसों से नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि कल रात को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या शाम तक निकल जाऊँगा मैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर, क्यों भाई थैंक यू क्यों, लाइक करा तूने, पकौड़े लाइक नहीं करते हो वो, तुम्हें ब्लॉग्स चाहिए, ये कोई बात हो रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई, प्रॉब्लम में दिक्कत में दिस सॉरी ज्ञानी संकट में तो सपोर्ट करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे होपफुली कल, और नहीं मिला तो परसों पक्का, तब तक के लिए पीस।